हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सीबीएसई बोर्ड से कोई सूचना चाहिए तो आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। होता क्या है, जब कोई परिवर्तन होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलती है वैसी ही कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रही होती है, तो आप में कन्फ्यूजन बढ़ता है और आप परेशान होते हो, इधर उधर भटकते हो, कभी YouTube चैनल पे, कभी वेबसाइट पे, कभी फ्रेंड से, कभी स्कूल में, और हर जगह से अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं, आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। उस केस में क्या होता है कि आप परेशान होते हो, आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो मैंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया, हमारे स्कूल में भी बच्चे आते हैं और इन बदले हुए नियमों को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। जैसे इस टाइम पर फॉर्म भरा जा रहा है CBSE प्राइवेट का, कंपार्टमेंट टू का और इम्प्रूवमेंट का, तो बहुत सारे नियम के परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो परेशान करने वाले हैं, तब अगर उनकी जानकारी बच्चों को ना हो। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको वो प्रॉपर चैनल्स बता सकूं जिसके माध्यम से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। CBSE से 100% गारंटी है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम ऑफिशियल होगी, ऑथेंटिक होगी, आप उस पर विश्वास कर पाओगे, सुनी सुनाई बातों से आप दूर रहोगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन चूंकि आपको प्रॉब्लम है तो इन प्रॉपर चैनल्स को एक ही बार में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और मैं आपको हर एक डिटेल और अंदर की बात सारी बताने वाला हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल कैसे सकती है, प्रॉपर चैनल्स क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं कमाल के एप्लीकेशन डाउटनेट के बारे में, जिसकी मदद से आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सॉल्यूशंस वीडियो के रूप में मात्र 2 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्वेश्चन को स्कैन करना है और स्कैन करते ही आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियो के रूप में तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे। तो देखिए, हमने जैसे ही स्कैन किया, इसका वीडियो का सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। कोई भी वीडियो जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हो। चाहो तो आप ये क्वेश्चन की फोटो इनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज करके भी सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हो। बच्चों, जो 3 तरीके मैं बताने वाला हूँ, इनके अतिरिक्त भी कुछ तरीके हैं, लेकिन ये तरीके ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और इसी पर आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपको कुछ पूछना है CBSE से, तो आप उसके सोर्स के पास में जाइए। सोर्स से हमारा मतलब ये है कि वो ऐसे ही संस्थाओं के पास में आप जाइए जिनका संबंध सीधा सीधा CBSE से हो। अब यहाँ पे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सीधे CBSE से जुड़ी हैं, उसमें से सबसे पहली कड़ी है आपका स्कूल। जिस भी स्कूल से संबंधित आप हो, वो डायरेक्टली एफिलेटेड होता है CBSE से, अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तो। तो आप जब स्कूल के पास में किसी सूचना को लेकर के जाएंगे कि सर हमको ये बता दीजिए, अगर उनको जानकारी है तो वो अपने हिसाब से बता देंगे, नहीं जानकारी है तो उनके पास पोर्टल होता है, ईमेल एड्रेस होता है, वहाँ के अंदर के बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन नंबर्स होते हैं जिन पर डायरेक्टली बात हो जाती है, प्रिंसिपल की या जो भी अथॉरिटी वहाँ स्कूल की है उसको डील करने वाली, वो लोग वहाँ से डायरेक्टली विद इन 5-10 मिनट आपको सूचना दे देंगे और एकदम ऑफिशियल सूचना दे देंगे अगर वो चाहेंगे ऐसा करना तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो बच्चे स्कूल से नहीं जुड़े हैं, जैसे उनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, इम्प्रूवमेंट का है, या वो प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म है, तो किसी भी स्कूल से उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, या आप गार्जियन हैं, दूर रह रहे हैं, आपको कोई सूचना चाहिए, आप स्कूल नहीं जा सकते, या आप स्कूल गए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपको सूचना देने में, या वहाँ पे कोई और काम हो रहा है जिसके नाते अभी उनको उनके पास टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको सूचना स्कूल से नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में आपको रीजनल ऑफिसेस में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रीजनल ऑफिस के पास में रह रहे हो तो पर्सनली जाके वहाँ पर बात कर सकते हो, नहीं तो इसके फ़ोन नंबर्स होते हैं, ढेर सारे रीजन्स बनाए गए हैं इंडिया में, और आपका स्कूल किसी न किसी रीज़न के अंतर्गत आ रहा होगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें रीजनल ऑफिसेस के एड्रेस, उनका ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अब ये मिलेगा कहाँ से आपको, तो मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक नोटिस डाउनलोड होगी जिसमें नीचे के पेजेस पे मैं आपको पेज नंबर दिखा देता हूँ,
पेज नंबर 28 पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इंडिया में बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस बनाए गए हैं, तो आप किस एरिया में हो ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम को देखना है। जिस भी कॉलम में आपका मिल जाए वहाँ के फ़ोन नंबर्स पे आपको संपर्क कर लेना है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो पूरे इंडिया में जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे मान लेते हैं आप यूपी के हैं, तो यहाँ पे दो रीजनल ऑफिसेस हैं। जैसे एक तो रीजनल ऑफिस है प्रयागराज इलाहाबाद में। अब यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इलाहाबाद से कवर हो रहे हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है इलाहाबाद से, इन जिलों को मिलेगी इलाहाबाद बोर्ड से। ऐसे ही आप जाएंगे तो नीचे और भी होंगे, तो जैसे देहरादून का है, भुवनेश्वर का है, बहुत सारे जोन हैं। तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और वहां से डाउनलोड करके आप उनको ईमेल कर सकते हो। उनका फैक्स नंबर है, टेलीफोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका यहाँ पे एड्रेस लिखा है, अगर आप आस पास में रह रहे हो तो जा करके डायरेक्टली भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस बात की गारंटी, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं CBSE हेडक्वार्टर से, और इनके पास सारी सूचनाएं होती हैं जो CBSE हेडक्वार्टर जारी करता है, सर्कुलर्स और नोटिसेस। तो ये लोग आराम से आपको बता देंगे, चाहे फ़ोन पे या डायरेक्टली। अगर मान लेते हैं कि आपने रीजनल ऑफिस में बात करी लेकिन वहाँ से सूचना नहीं मिल पाई, या जो सूचना मिली आपको लगता है कि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हो, या वो सूचना सही नहीं है आपके हिसाब से, तो आप दिल्ली के हेडक्वार्टर पे जो CBSE का है वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ का फ़ोन नंबर दे देता हूँ और वो लोग आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें तब काम में आएंगी जब आपको कोई ऐसी सूचना चाहिए जिसकी बहुत जल्दी हो, मतलब आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाह रही हो, तो यहाँ पे आप जा करके संपर्क करोगे, तुरंत सूचना आपको मिल जाएगी आधे घंटे 10 मिनट के अंदर फ़ोन पे, तो तुरंत मिल जाएगी। तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई चाहिए, तो ये तीन हैं जिसमें कॉन्टैक्ट करना है आपको, स्कूल, रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर को। अगर आपको हेडक्वार्टर पे बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसका नंबर दे देता हूँ, आइए देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे CBSE हेडक्वार्टर के 4 नंबर हमने दिए हैं और इन 4 में से किसी न किसी पे आपका संपर्क हो जाएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मंडे से फ्राइडे तक ये ऑफिसेस खुली रहती हैं, सैटरडे संडे बंद रहती हैं। 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हो। 2 से 3 या 1 से 2 के बीच में लंच होता है, जब भी लंच होता है उस टाइम पे शायद बात ना हो पाए। बाकी अगर आप 11 बजे तक फ़ोन करते हो, 12 बजे तक फ़ोन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि फ़ोन उठ जाएगा और बात हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं फ़ोन नहीं उठता। देखिए जब आप लगातार एक ही नंबर को कॉन्टैक्ट करते रहोगे, बार 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 डायल करोगे, तो 10-15 बार डायल करने पर यहाँ पर सूचना मिल जाएगी। इन 4 में से किसी न किसी पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लगे रहोगे तो। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, बार बार ट्राई करना पड़े, बट मिल जाएगा। और ये 4 नंबर ऑफिशियल हैं, जहाँ से दी गई जानकारी एकदम सटीक होगी, 100% श्योर और प्योर होगी। अब इसके बाद भी अगर आपको सूचना नहीं मिलती है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी गलत सूचना आपको दी गई, या ये लोग वो सूचना नहीं दे पाए, या इन्होंने कह दिया जाओ रीजनल ऑफिस से बात करो, अपने स्कूल से बात करो, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, उस कंडीशन में मैं आपको 2 और तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको गारंटीड 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, और वो भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो आइए मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे आप करोगे। तो इसके लिए बच्चों आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसको हम कहते हैं PG पोर्टल ऐप। PG का मतलब होता है पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, इस नाम से एक ऐप आता है। और यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे ये लॉगिन करना होगा यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन आप यहां से पा सकते हो। कैसे मिल सकता है मैं आपको दिखा देता हूं। और ये काम भी आप ऑनलाइन कंप्लेन डाल सकते हो PG पोर्टल पर अपने मोबाइल से। तो प्ले स्टोर पे जाना है, PG पोर्टल का ऐप डाउनलोड करना है और उसको कुछ ऐसे खोलना है। इसके लिए मोबाइल को मुझे सीधा करना होगा, तो अपनी भी मोबाइल आप सीधी कर लीजिए क्योंकि वो ऐप ऐसे ही चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों इसके लिए आपको इस ऐप को ओपन करना है, आइए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। ऑटोमेटिकली आपको एक बार पहली बार लॉगिन करना होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया। अब आपको इस वाले जगह पे कंप्लेन करना है, तो जैसे आप इस पर टैप करोगे ये एक नया पेज खुलेगा। अब किसको आपको भेजना है, तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ ऊपर वाले में आप क्लिक करोगे तो आएगा कि किसको भेजना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है CBSE, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सिलेक्ट करोगे।
उसके बाद में आएगा मिनिस्ट्री का नाम लिखने को, तो मिनिस्ट्री का नाम आपको लिखना है यहाँ पे, आपको ढूंढना है सीबीएसई, सीबीएसई सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है, तो आप सेकेंडरी लिखोगे और यहाँ पे, या आप डायरेक्टली यहाँ पे एजुकेशन लिखोगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई पीडीएफ फाइल बना रखी है अपने कंप्लेंट्स की, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर देना है, या यहाँ पे आपको अपना ग्रीवेंस लिख देना है, जो भी आपको दिक्कत है, और उसके बाद में आपको इस पर सबमिट कर देना है। 7 दिन के अंदर आपको वो सूचना मिल जाएगी, 100% गारंटीड होता है ये। अगर नहीं मिलेगी तो आप फिर से उनसे पूछ सकते हो, और ये डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री से लिंक्ड है, तो कई सारे अधिकारी इसको देखते हैं कि इन्होंने सूचना दी या नहीं दी, तो सूचना मिलने की गारंटी यहाँ पे 100% होती है, और इसका यूज आप यहाँ पे जरूर कर सकते हो दोस्तों। लेकिन बच्चों पीजी पोर्टल पे बस एक दिक्कत है कि कानूनी बाध्यता उनको नहीं है कि वो आपको सूचना दें ही, मतलब वो कानून से बंधे हुए नहीं है, फिर भी सूचना मिलने की संभावना 99% होती है, और आपको सूचना मिल भी जाती है, लेकिन वो शिकायत होनी चाहिए आपको, जो आपको प्रॉब्लम हुई है। मान लेते हैं आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस कंडीशन में तीसरा रास्ता है आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था 2005 में हमारे यहाँ, और उसी का एप्लीकेशन आपको भेजना है। ये भी आप ऑनलाइन rti.gov.in एक ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, वहां पे कर सकते हो, और उसी का एक ऐप आता है गूगल प्ले से, आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन आरटीआई करके, उसमें आप डायरेक्टली 10 रुपये का फीस लगेगा, 10 रुपये में आप वहां पे अपना कंप्लेन कर पाओगे, और 1 महीने के अंदर, मतलब मैक्सिमम डेट में बता रहा हूं कि 1 महीने के अंदर वो आपको सूचना दे देंगे, नहीं देंगे तो उनपे जुर्माना लगने की संभावना आगे बढ़ जाएगी, तो कोई ना कोई ऑथेंटिक रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपको सूचना मिल सकती है। इसके बाद में भी ढेर सारे तरीके हैं जिससे आप पूछते हो, जैसे यूट्यूब चैनल है, आपके टीचर लोग हैं, कोचिंग वाले हैं, बच्चे हैं, लेकिन इन तीनों पे आप विश्वास कर सकते हो, खास करके जो ये 3 रास्ते हैं, या जो ग्रीवेंस पोर्टल या आरटीआई से जो सूचना मिलती है ये इतनी ऑथेंटिक होती है कि इस पे आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, और कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि सही रास्ता जानिए, और कहीं परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको भागना ना पड़े। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी अपडेट्स होंगे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, वो अपडेट मैं प्रयास करूंगा कि अपने स्तर से आपको बताऊं, और उस पर आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इस वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं मैं आपको बताऊँ, तो एक टीचर होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है और मेरा कर्तव्य भी है, मैं आपको बताऊँगा भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।